आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं बासमती धान की प्रमुख प्रजातियों के बारे में, जो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जिनकी खेती आप कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हमारी पहली प्रजाति है पूसा बासमती 1121। यह 145 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आती है। इस किस्म से आप लोग पूर्व परिचित हैं। उसी तरह से एक हमारी दूसरी किस्म है पूसा बासमती 1509, जो कि कम समय में यानी कि 125 दिन के अंदर पककर तैयार होती है और इसकी पैदावार जो है 50 से लेकर के 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पकाने के बाद इन दोनों किस्मों में चावल की लंबाई करीब 20 से 22 मिलीमीटर तक हो जाती है और दोनों किस्में काफ़ी अच्छी हैं, किसानों को काफ़ी लाभ देती हैं। जो हमने नई किस्में विकसित की हैं उनमें प्रमुख किस्में हैं पूसा बासमती 1637, जो कि पूसा बासमती 1, जिसको किसान भाई मुच्छल के नाम से जानते थे, उसका सुधरावा रूप है और इसके अंदर झोंका या और गर्दन तोड़ की बीमारी नहीं लगती है। पूसा बासमती 1637 करीब 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार होती है। पूसा बासमती 1121 को सुधार करके एक नई किस्म बनाई गई है पूसा बासमती 1718, जिसके अंदर पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। इस किस्म से भी आप लोग काफ़ी परिचित हैं। इसकी खेती करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में हो रही है। ये भी पककर तैयार होने में 140 से 145 दिन का समय लेती है। तना इसका काफ़ी मजबूत होता है, गिरती नहीं है और गुणवत्ता में चावल की गुणवत्ता इसकी पूसा बासमती 1121 की जैसी होती है। एक और किस्म हमारी है पूसा बासमती 6, जिसको 1401 के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी खेती ज़्यादातर सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों में की जाती है बड़े पैमाने पर। करीब 90% रकबा इस किस्म का आता है। पककर तैयार होने में 150 से 155 दिन का समय लगता है और इसकी पैदावार करीब करीब 60 से लेकर के 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। बहुत अच्छी किस्म है। चावल में खुशबू बहुत अच्छी होती है। पकाने के बाद चावल की लंबाई करीब करीब 18 से 20 मिलीमीटर होती है और दाना देखने में काफ़ी इसका सुंदर लगता है। तो ये हमारी जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी और इस वर्ष हमने एक और नई किस्म विकसित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 हमने दिया है। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, यह पककर तैयार होने में 115 दिन का समय लेती है, 5 दिन उससे करीब समय कम लगता है और उसे पैदावार 1509 से करीब करीब 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा आती है 1692 में। सीमित मात्रा में इसका बीज हमने किसान मेले में और अभी भी हम 2 किलो की मात्रा में बीज किसानों को दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पूसा बासमती 1692 का बीज बाज़ार में बेच रहे हैं और बाज़ार में इसका बीज किसी के पास नहीं है। अगर कोई ऐसा बीज बेच रहा है तो वह नकली बीज है। इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएं, नहीं तो उनको नुकसान होगा। हो सकता है वो पूसा बासमती 1692 की जगह पर आपको पूसा बासमती 1509 का बीज दे रहे हों। ऐसे कुछ व्यापारियों के खिलाफ हमने लिखित शिकायत भी राज्य सरकारों के द्वारा की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये तो मुख्य बातें थी हमारी जो बासमती की प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में। और इसके अलावा हमारे संस्थान से एक किस्म पूसा 1850 के नाम से विकसित की गई है, इसको हम पूसा संभा 1850 का नाम दिए हैं। इसके अंदर ब्लास्ट यानी झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है और ये संभा मसूरी, जिसको हम BPT 5204 के नाम से जानते हैं, गुणवत्ता में चावल बहुत बढ़िया होता है, खुशबू चावल में नहीं होती है और इस किस्म में झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है। तो ख़ासकर जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से की जा रही है और किसान भाइयों से जो हमें अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें पूसा 1850 की पैदावार 7 टन से लेकर के 8 टन प्रति हेक्टेयर की प्राप्त हुई है। तो ये प्रमुख किस्में थी संस्थान के द्वारा विकसित की गई, जिनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता था।